शुद्ध पेयजल संकट को देखते हुए जिला अधिकारी द्वारा कुओं की सफाई कराई जा रही है ताकि बारिश के दिनों में कुओं में पानी ज़्यादा से ज़्यादा संग्रहित हो सके और वाटर स्रोत रिचार्ज हो सके, लोगों को जल समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। जर्जर कुओं की मरम्मत भी करवाई जा रही है। जिला अधिकारी पुलकित खरे ने बताया है कि जिले में अभियान चलाकर सभी अप्रयुक्त कुओं को अतिक्रमण मुक्त और शुद्ध जल पीने योग्य उपलब्ध कराया जाएगा। प्राचीन जल के स्रोत जो हर गांव में स्वच्छ जल देते थे कुओं के रूप में, उनको एक बार फिर से खोजा जाए, उनको फिर से संवारा जाए। न केवल स्वच्छ पीने का पानी मिलता था बल्कि भूगर्भ जल का स्तर जो गिरता जा रहा है उसके चार्जिंग के लिए भी ये बहुत ही सटीक पॉइंट हुआ करते थे। जनपद में एक मुहिम चलाई जा रही है जिसमें सर्वे करा के लगभग 17,000 कुओं का चिन्हांकन करा गया है। इनमें से कई कुएँ ऐसे हैं जो प्रयुक्त की श्रेणी में हैं और कुछ ऐसे हैं जो निष्प्रयोज हो गए हैं। दोनों तरह के कुओं को फिर से उभारा जाएगा। जहाँ पे अतिक्रमण है SDMs को बोल के अतिक्रमण हटवाया जाएगा, जहाँ पे उन पे जाल ढकने की या उनके आसपास मरम्मत करके कुछ कंस्ट्रक्शन की व्यवस्था करनी है वो भी करा जाएगा। साथ ही साथ सोक पिट बना के और नरेगा से काम करा के कोशिश यही करी जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा कुओं में फिर से स्वच्छ जल आ सके। जनपद में प्रयुक्त एवं अप्रयुक्त होने वाले 17,156 कुओं का सर्वेक्षण कराया गया है। जिला अधिकारी पुलकित खरे ने मुख्य विकास अधिकारी से कहा है कि ब्लॉक स्तर पर उपलब्ध तकनीकी संस्थाओं एवं मनरेगा के माध्यम से ये सुनिश्चित करें कि सभी प्रयुक्त होने वाले सभी कुओं में शुद्ध जल की उपलब्धता रहे ताकि ये कुएं भूगर्भ जल स्तर की वृद्धि में सहायक हो सके। उन्होंने अपर जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि राजस्व विभाग के माध्यम से एक अभियान चलाकर यथा संभव समस्त अप्रयुक्त कुओं को अतिक्रमण मुक्त कराएं एवं उसकी दैनिक सूचनाएं अधोहस्तांतरित व मुख्य विकास अधिकारी को उपलब्ध कराएं जिससे इन कुओं में वाटर रिचार्ज कराया जा सके। हरदोई तक के लिए शादाब मूसा की रिपोर्ट।